हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और हम कई दिनों से ऐसे मतलब सीरियल वाइज हम वीडियो बना रहे हैं और इसके आपको सेट वन, सेट टू, सेट थ्री तक हम दे चुके थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सेट फाइव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आपसे हेल्प होगा और इसमें हम कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बाद में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है, सब निर्देश भी देख सकते हैं कैसे क्या है, सब कुछ है। और ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और ये आपका जो हम बता रहे हैं ये आपका झारखंड जैक बोर्ड के अनुसार ही क्वेश्चन बता रहे हैं, तो यहाँ पे झारखंड जैक बोर्ड का ही स्टूडेंट का फ़ायदा होंगे। और अगर दूसरे स्टेट का है तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस टाइप से नहीं होगा, अलग होगा। और आपको बता दें कि हम इसी तरह सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर का जैसे हम वीडियो दिए, अब इसी के बाद सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, सेट फाइव तक हम इसका आंसर भी देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज है उसको भी देंगे, उसके बाद सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना ही मेन मकसद होगा, यही हम इसमें फोकस में रखेंगे और इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब आपको समझाएंगे तब वहाँ पे पूरा पूरी तरीका से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं, वाहन में पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता को हम पी से सूचित करते हैं और उसकी फोकस दूरी जो है एफ में क्या संबंध है, यहाँ पे दोनों में क्या संबंध है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, यानी आँख के जो रंगीन भाग है उनको हम क्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर चार नंबर देख सकते हैं, आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, यानी आवेश जो है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो का पहला, एक निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी और प्लस सी डी दे रहा है, तो ये किस प्रकार का जो है अभिक्रिया को बता रहे हैं। यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन है, दो का दो, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है, और जब हम अम्ल और क्षार को बता रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम आपको वहीं से क्लियर कर दिए थे। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का क्या नाम है। उसके बाद एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, प्रथम समूह में कितने तत्व हैं, प्रथम समूह में कितने तत्व हैं। उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच एवं ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। चार नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की जो वस्तु होते हैं उसे हम पेंट क्यों करते हैं। निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, इससे कैसे दूर किया जाता है। उसके बाद छः नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, धातु एवं अधातु के दो रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए, यहाँ पे धातु और अधातु में दो रासायनिक अंतर रासायनिक गुणों को यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि ग्रहों क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन, एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण शमन क्यों नहीं होते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विभाजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किस राशि का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम क्या होता है, इससे 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने से क्या होता है। तो जिप्सम को अगर ये करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन पर अगर गर्म करेंगे तो। उसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन का सामान्य नाम क्या है, यहाँ पे सामान्य नाम आपको पूछ रहा है, यानी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका सामान्य नाम होगा भड़का हुआ चूना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद Na2CO3 10 गो, तो ये आपका हो जाएगा कास्टिक सोडा, ये आपका हो जाएगा खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 किलोवाट शक्ति अनुमातक एक विद्युत तंद्रुत किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है जिसके विद्युत धारा का अनुक्रमांक आपको ये दे रहा है 5 एम्पियर है, इसे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं स्पष्ट कीजिए। फ्रेमिंग का वाम हस्त नियम एवं दान हस्त नियम को लिखिए।
इथेनॉइक अम्लों इथेनॉल से इथेनॉइक अम्लों में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सरणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं? एक को विद्युत परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 को सरणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, तांबे के एक मुख्य आयस का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस आयस से तांबा धातु के निष्कर्षण का समीकरण लिखिए। इस धातु के विद्युत अपघटन परिष्करण में एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किससे बनाएंगे? उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का अथवा से भी एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ सब देख सकते हैं। निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पे एसिटिलीन, फॉर्मल अम्ल, उसके बाद प्रोपेनॉल, हेक्सेन, प्रोपेन, तो ये सब का आपको जो है रासायनिक सूत्र ना यौगिक यानी निम्न संरचना सूत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन संख्या 17 से जो होता है वो आपका बायोलॉजी शुरू होता है। इसके बाद हम अब बायोलॉजी का यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे 17 का पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज आघात में किस संकेतों के आने में व्यवधान होगा? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जो जनन करते हैं वो क्यों करते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। मनुष्य की कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या क्या है? मनुष्य की जो कोशिका है उसमें गुण सूत्रों क्या है? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखिए। यानी बायोगैस जो है उसका मुख्य घटक का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निषेचन किसे कहते हैं, आप निषेचन किसे कहते हैं? उसके बाद सौर उष्मांक क्या है, ओजोन क्या है, यह किस परितंत्रों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ठीक है, 21 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो है चित्रों के अनुसार यहाँ पे जो प्रश्न किया गया वो उसको प्रश्नों को यहाँ पे देखना होगा और उसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक तंत्रिका कोशिका का नाम नामांकित चित्र बनाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, समझत अंक की परिभाषा लिखिए। यह विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करता है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, प्राकृति में नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है? 26 नंबर जो है आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के पाचन तंत्रों का नामांकन चित्र बनाइए। इसका मतलब हो रहा है कि 26 नंबर में जहाँ तक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा, पता हो जाएगा कि 26 नंबर में कोई एक तो डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछेगा ही। जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, हृदय हो गया जिसको हम हार्ट बोलते हैं, उसके बाद जो किडनी होते हैं जिसको हम वृक्ष बोलते हैं या न्यूरॉन्स, ठीक है, इन सब का 2-4-5 को फिगर आप ड्रॉ करना सीख जाइएगा तो उन ड्रॉ करने से ही आपको एक 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर बहुत बड़ा नंबर होते हैं खास करके साइंस में। तो उसके बाद यहाँ पे है, पेलोनीरिया की बाहरी बनावट का नामांकन चित्र बनाइए, या किस या विकास के किस तथ्यों की ओर संकेत करता है? तो ये भी वहीं पे क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए होंगे और ज़रूर आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपके लिए ऐसे कुछ आपका नहीं जाता लेकिन उसमें मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ता है, हम वीडियो बनाने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। और थोड़ा सा अनाउंसमेंट आप लोग को कर दे कि अगर इस तरह का PDF आपको चाहिए, ऐसे तो वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, ऐसा कोई आपको नहीं रखा जाएगा कि हर PDF का 500 रुपया, 100 रुपया, ऐसा नहीं। सिर्फ आपसे साथ कांटेक्ट में हम रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आपको PDF सेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा सा आपसे हम हेल्प मांगेंगे, जो कि बहुत कम ही फीस है, जो सिर्फ 500 रुपया में 10 क्लास के विद्यार्थी अगर 500 रुपया का ये करेंगे, चाहे कोई गार्जियन देख रहा है, चाहे कोई टीचर देख रहे हैं, जैसे भी है, अगर थोड़ा सा 500 रुपये कर देंगे तो अभी से आपको सारा चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप के जरिए आपको मिलता जाएगा और एग्ज़ाम के लास्ट तक सिर्फ ऑनली फॉर केवल मात्र 500 रुपये में आपको पूरा चीज़ दिया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग करना, अगर चाहते हैं PDF लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो का लिंक भी
भी मिल जाएगा और आपको किस विधि से क्या करना है, कैसे नहीं करना है, आप सारा कुछ आपको वहाँ से पता हो जाएगा। और फिर जब व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा तो व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद आप फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर आपसे सब कुछ बात हो जाएगा आगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।